पिपराइच पुलिस ने चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए चोरी के आरोपी दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान आलोक कुमार कहार पुत्र गोपाल कहार निवासी बड़ेरा थाना सुनवल जिला नवल परासी नेपाल वर्तमान पता धर्मशाला चौराहा थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर तथा एक महिला नौकरानी की गिरफ्तारी किया गया है जो आलोक की प्रेमिका बताई जाती है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने चोरी का एक सोने की अंगूठी 1200 रुपये नकद एक हीरे की अंगूठी एक मोबाइल बरामद किया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि गिरफ्तार दोनों अभियुक्त बंटी बबली की तर्ज पर घरों में नौकर और नौकरानी का काम करते थे तथा मौका देखकर हाथ साफ कर देते थे। गिरफ्तार अभियुक्त पड़ोसी राष्ट्र नेपाल का रहने वाला है। उसकी प्रेमिका नौकर बनकर लोगों के घरों में जाती थी और मौका देखते ही कीमती जेवरात और नकदी चोरी कर लेती थी। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने बताया। पिपराइच थाना क्षेत्र में एक संभ्रांत और प्रतिष्ठित व्यक्ति अभिषेक शाही हैं। उनके यहाँ 22 चेक को जो है चोरी हो गई थी। चोरी हो गई तो उसमें एक हीरे की, एक सोने की अंगूठी और 20,000 रुपये गए थे। इस चीज़ को एक्सप्लोर किया गया तो उनके यहाँ घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी लड़की और एक उससे भी उसका सहयोगी है आलोक कुमार, ये जो मूल रूप से नेपाल का निवासी है। उस महिला को जगह जगह यही रखवाता था तो हमारी टीम को सफलता प्राप्त हुई। लगभग सारा माल रिकवर हो गया, दोनों अंगूठी रिकवर हुई है, पैसा बरामद हुआ है। जो पैसा खर्च हुआ था एक मोबाइल खरीदने में वो मोबाइल भी बरामद हुआ है। और इसका संदेश ये है कि एक सामाजिक मैसेज भी है कि घरेलू सहायिका सोच समझ के नौकर लोग जो है रखना चाहिए। इनकी वजह से जो है बड़ी बड़ी वारदातें हो जाती हैं। एक्सप्लोर इसको किया जा रहा है। अभी जो है हम लोग की निगाह में तो अभी जो यही सी चोरी का माल बरामद हुआ है। ये मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है और यहाँ धर्मशाला बाजार में रहता है। नहीं, जो लड़की है उसके साथ नहीं, कि नहीं। अब ये लड़की की आइडेंटिटी के बारे में आप लोग जानते हैं तमाम। ठीक है सर, इस तरह भी पहले रखवाया था और कहीं रखवाया था? नहीं, ये पिछले वाले रामगढ़ ताल में जगह काम करवाया था, फिर तपस्या एक रेस्टोरेंट वहाँ काम की थी, रामगढ़ ताल में फिर तीसरी बार क्या क्या मत बरामद हुआ है? हत्या तक हो जाती है, यहाँ तो चोरी ही हुई। खाली बंटी बबली वाला काम है, वो काम करती और ये अपना जो है जैसे जैसे आ गया पैसा बेचना है उस चीज को वो करना, वो सभी काम इसका। हाँ, और जहाँ एक जगह घटना हो गई उसके बाद उसी का पूछ लेके सब पकड़। एक बार ट्रेस किया गया नेपाल का रहने वाला है। नहीं नहीं, सामान रूप से एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, औरत भी गिरफ्तार हुई है, सहायिका की जरूरत थी तो उसने बोला मैं काम करूँ, घर वालों को दिखाया, उन्होंने कहा